हेलो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सममिति, जिसे अंग्रेजी में सिमेट्री भी कहते हैं। तो इससे पहले हम शुरुआत करें, मैं आपको दर्पण प्रतिबिंबों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दर्पण प्रतिबिंब, जिन्हें हम अंग्रेजी में मिरर इमेज भी कहते हैं, अगर हम किसी वस्तु को या स्वयं को दर्पण या आम बोलचाल में, जिसे हम आईना भी कहते हैं, में देखते हैं, तो दर्पण के अंदर हमें एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसे हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे यह स्त्री खुद को दर्पण में देख रही है और दर्पण के अंदर इसका स्वयं का दर्पण प्रतिबिंब नजर आ रहा है। दूसरा उदाहरण भी दिया गया है, जिसमें यह खिलौना एवं उसका दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे सममित आकृतियों के बारे में। सममित आकृतियाँ, जिन्हें हम अंग्रेजी में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, यह वह आकृतियाँ होती है जिनको एक या अधिक रेखा दो ऐसे भागों में विभाजित करती है, जिससे दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, या फिर हम अगर उस रेखा से आकृति को मोड़ दे तो एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरीके से ढक लेगा। इसके उदाहरण हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। अब हम सममित आकृतियों के दैनिक जीवन के कुछ आम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम एक तितली का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक तितली दी गई है, अगर हम इसके मध्य से एक रेखा कुछ इस तरीके से खींच देते हैं तो इसका दाया भाग इसके बाएं भाग का दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरा उदाहरण हम एक पत्ती का लेते हैं, इसके मध्य से हम ऐसी कुछ रेखा खींच देते हैं तो इसका एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तीसरा उदाहरण हम एक छतरी का लेते हैं, अगर इसके मध्य से कुछ इस प्रकार से रेखा खींच देते हैं तो इसका दाया भाग इसके बाएं भाग का दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये सब वस्तुएं जो है सममित आकृतियाँ है। अब हम जानते हैं कि सममित आकृतियाँ क्या होती है। अब हम जानेंगे कि सममिति अक्ष, जिसे अंग्रेजी में लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, कि क्या होता है। यहाँ पर फिर से हम तितली का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर तितली दी गई है, अगर हम इसके मध्य से फिर से एक रेखा खींच देते हैं और इस रेखा से हम इसके दाएं भाग को मोड़ देते हैं तो हमें तितली कुछ इस प्रकार नजर आएगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके दाएं भाग ने बाएं भाग को पूरी तरीके से ढक लिया है, तो यह जो लाइन है या फिर यह जो रेखा है, इसे हम सममिति अक्ष कहेंगे। हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह वह रेखा होती है जो सममित आकृतियों को दो भागों में विभाजित करे एवं सममिति अक्ष से आकृति को मोड़ने पर एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरीके से ढक ले। अब एक ही सममित आकृति में एक या उससे अधिक सममित अक्ष हो सकते हैं। इनका उदाहरण हम कुछ ही देर में देखेंगे, परंतु सममित आकृति कहलाने के लिए एक ही सममित अक्ष पर्याप्त। अब हम दो सममित अक्षों वाली आकृतियाँ देखेंगे। सबसे पहले हम एक आयत या फिर जिसे हम अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं, उसका उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर एक आयत दिया गया है, हम यहाँ पर एक इस प्रकार से एक लाइन खींच सकते हैं जो इसको दो ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, या फिर हम अगर इस रेखा से इस आकृति को मोड़ देते हैं तो ये वाला पार्ट इस पार्ट को पूरी तरीके से ढक लेगा। तो ये हमारी एक सममित अक्ष हो गई। दूसरी सममित अक्ष हमें ये वाली मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुल दो सममित अक्ष हो गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल या उदाहरण लेते हैं समचतुर्भुज या रंबस का। यह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है,
रेखा हम इस प्रकार खींच सकते हैं, अगर हम ये वाला भाग, अगर हम इस रेखा से इस आकृति को मोड़ दें तो ये वाला भाग ये वाले भाग को पूरी तरीके से ढक लेगा, तो यह एक सममित अक्ष हो गया। दूसरी रेखा हम कुछ इस प्रकार से खींच सकते हैं, जिसमें अगर हम इस आकृति को इस अक्ष से मोड़ दें तो यह भाग इस भाग को पूरी तरीके से ढक लेगा, इसीलिए यह सममित अक्ष है। तो यहाँ पर भी कुल दो सममित अक्ष हो गए। तो चलिए अब हम कुछ ऐसी आकृतियों को देखते हैं जिनमें दो से अधिक सममित अक्ष है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग, जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर भी कहते हैं। वर्ग इस प्रकार दिखाई देता है एवं इसकी सारी भुजाएं समान होती है। हम इस प्रकार से यहां से एक सममित अक्ष खींच सकते हैं। इसका ये वाला भाग इस वाले भाग का दर्पण प्रतिबिंब है। फिर हम यहाँ से भी एक सममित अक्ष खींच सकते हैं। अगर हम इस अक्ष से इस आकृति को मोड़ दें तो यह वाला भाग इस भाग को पूरी तरीके से ढक लेगा। तीसरे सममित अक्ष हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा एवं चौथा सममित अक्ष इस प्रकार मिलेगा। अगला उदाहरण हम देखेंगे समबाहु षटकोण का, इसे अंग्रेजी में रेगुलर हेक्सागन भी कहते हैं। यह इस प्रकार दिखता है, इसमें कुल 6 भुजाएं होती है एवं सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इसमें भी कुछ इस प्रकार हम सममित अक्ष खींच सकते हैं, जिसमें यह वाले अगर हम इस आकृति को इस सममित अक्ष से मोड़ दें तो यह भाग इस भाग को पूरी तरीके से ढक लेगा, अतः यह एक सममित अक्ष है। दूसरा सममित अक्ष हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, तीसरा सममित अक्ष हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, चौथा सममित अक्ष हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, पांचवा एवं छठा भी हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही आकृतियों में सममित अक्ष उनके मध्य या इंग्लिश में जिसे हम सेंटर कहते हैं से गुजर रही है। अब हम समबाहु आकृतियों में सममित अक्षों की कुल संख्या के बारे में जानेंगे। समबाहु आकृतियां यानी जिन्हें हम अंग्रेजी में इक्विलेटरल शेप्स भी कहते हैं, इनकी खासियत यह होती है कि इनकी सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, जैसे समबाहु त्रिभुज जिसे अंग्रेजी में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है एवं इसमें तीन सममित अक्ष होते हैं। अगला उदाहरण लेंगे वर्ग का, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें भी 4 सममित अक्ष होते हैं। फिर हम देखेंगे समभुज षटकोण, जिसे अंग्रेजी में इक्विलेटरल पेंटागन कहते हैं, जो इस प्रकार दिखाई देता है। इसकी 5 भुजाएं होती है एवं पांचों की लंबाई बराबर होती है। इसमें कुल 5 सममित अक्ष होते हैं। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि अगर हम समबाहु आकृति की बात करें तो उनमें सममित अक्षों की संख्या भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। जैसे समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं एवं इसमें सममित अक्षों की संख्या भी 3 ही है। वर्ग में 4 भुजाएं हैं एवं सममित अक्षों की संख्या भी 4 है। पंचभुज षटकोण में भी भुजाओं की संख्या 5 है एवं सममित अक्षों की संख्या 5 है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए
यह सिर्फ समबाहु आकृतियों के लिए ही लागू होता है, मतलब सारे भुजाओं उन्हीं आकृतियों के लिए लागू होता है जिन आकृतियों की सारे भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अब हम वृत्त या जिसे अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं में सममित अक्षों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। एक वृत्त कुछ इस प्रकार होता है, इसमें हम ऐसे एक सममित अक्ष खींच सकते हैं जिसमें जिससे इसका ये वाला भाग इस वाले भाग का मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज या मिरर इमेज या जिसे हम हिंदी में धर्म प्रतिबिंब कहते होगा। दूसरा सममित अक्ष हम कुछ इस प्रकार से खींच सकते हैं, तीसरा हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, एवं इस प्रकार से हम अनेक सममित अक्ष खींच सकते हैं। इसीलिए एक वृत्त में सममित अक्षों की संख्या अनंत होती है, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फाइनाइट भी कहते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द एवं उनके अंग्रेजी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सममिति, जिसे हम अंग्रेजी में सिमेट्री कहते हैं। फिर हम देखेंगे सममित आकृतियाँ, जिनको हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तीसरा हम देखेंगे दर्पण, जिसे हम अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। फिर हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, जिसे हम अंग्रेजी में मिरर इमेज कहते हैं। अगला हम देखेंगे आयत, जिसे अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। फिर वर्ग, जिसे हम अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। समबाहु, जिसे हम अंग्रेजी में इक्विलेटरल कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि अगर कोई आकृति समबाहु है तो उसकी सारी भुजाओं की लंबाई समान हो। अब हम देखेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या चर्चा की। सबसे पहले हमने जाना कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने जाना सममित आकृतियाँ एवं सममित अक्ष क्या होते हैं। फिर हमने दो एवं अधिक सममित अक्षों वाली आकृतियों के बारे में जाना एवं उनके कुछ उदाहरण देखे। के सममित अक्ष के बारे में जाना और अंततः हमने वृत्त के सममित अक्ष के बारे में जाना जिनकी संख्या असंख्य होती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्द एवं उनके अंग्रेजी शब्द जो हमने इस वीडियो में प्रयोग में लाए हैं उनके बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो। धन्यवाद।